गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज रजनी सैनी, आई टीच इन आदर्शवा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जुड़ी। स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 13 डायरेक्शंस। डायरेक्शन यानी दिशाएं, कि जो डायरेक्शन है वो कितनी होती है। तो देखिए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, कितनी डायरेक्शन है? 4 डायरेक्शन होती है। जिसको ईस्ट को हिंदी में कहते हैं पूरा, वेस्ट को पश्चिम, नॉर्थ को उत्तर और साउथ को दक्षिण। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 डायरेक्शंस होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सनराइज यानी सन किस कहां से उगता है? ईस्ट। देखिए, पूर्व दिशा से हमेशा जो सन है वो राइज होता है। और सनसेट कौन सी डायरेक्शन में होता है, यानी छिपता कौन सी डायरेक्शन में है? तो है वेस्ट में छिपता है। तो स्टूडेंट्स, अगर सन आपके सीधे यहां है तो ये डायरेक्शन कौन सी हुई? ईस्ट। ओके, और आपके जस्ट पीछे कौन सी डायरेक्शन है? फिर वेस्ट। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये 4 डायरेक्शंस हैं। तो हम जहां खड़े होंगे, जहां से सूरज हमें निकलेगा यानी सनराइज होगा, वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन होगी? ईस्ट। स्टूडेंट, चैप्टर 13 स्टार्ट करते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शन यानी दिशा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि डायरेक्शन कितनी है, 4 डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जिनके बारे में हम डिटेल से रीड करेंगे। देयर आर 4 मेन डायरेक्शन, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, जिनको ईस्ट मीन्स पूर्व, वेस्ट मीन्स पश्चिम, नॉर्थ मीन्स उत्तर और साउथ मीन्स दक्षिण। ये हमारे 4 डायरेक्शंस हैं। इट हेल्प्स अस इन रीडिंग मैप। मैप मीन्स नक्शा। ये हमें मैप को पढ़ने में हमारी हेल्प करती हैं। ऑन ए मैप ईस्ट इज राइट। मैप जो होता है उसमें राइट साइड में क्या होती है? ईस्ट यानी पूर्व दिशा होती है। वेस्ट इज लेफ्ट, और जो लेफ्ट साइड में है वो क्या होती है? वेस्ट यानी पश्चिम दिशा होती है। नॉर्थ इज अप एंड साउथ इज डाउन। नॉर्थ है वो कहाँ होती है? ऊपर की साइड, यानी ऊपर हमेशा क्या होती है? उत्तर दिशा होती है, यानी नॉर्थ होती है। और डाउन यानी नीचे क्या होती है? साउथ यानी दक्षिण होती है। तो जैसे कि हमेशा डायरेक्शंस जो हैं वो ऐसे बनती हैं, यहाँ ऊपर की साइड में क्या होती है? ईस्ट। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ऐसे हमारी डायरेक्शन होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हमेशा नीचे क्या होती है? साउथ होती है। जैसे इसमें बताया गया है, देखिए कि मैप से हम कैसे डायरेक्शन का पता लगाते हैं। तो ईस्ट है वो राइट में होती है। जैसे यहाँ ये भी ड्राइंग में आप समझ सकते हैं, देखिए ये जो लड़की है वो किस साइड फेस करके खड़ी है? सन की साइड में फेस करके खड़ी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए सन किस डायरेक्शन में राइज होता है, यानी उगता है? ईस्ट में। ठीक है, तो ईस्ट, ईस्ट के अपोजिट क्या हुआ? वेस्ट। ठीक है, और यहाँ देखिए ये लेफ्ट साइड में क्या है? नॉर्थ है। और राइट साइड में क्या है? साउथ है, अपोजिट है। ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। आगे की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। If you are facing the sun, अगर आप सन के सामने फेस करके खड़े हुए हैं, in front, तो सामने of you is the east direction, तो आपके सामने कौन सी direction है? East है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। Face आपका किस side है? सन के सामने है, तो ये कौन सी direction है? East है। Next देखिए, the sun rise in the east, जो हमेशा सन है वो, सूरज है वो किस साइड में उगता है? यानी ईस्ट, राइज यानी उगना, तो किस डायरेक्शन में उगता है? ईस्ट में। तो देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट देखिए, बिहाइंड यू इज द वेस्ट डायरेक्शन। बिहाइंड यानी आपके पीछे, और पीछे कौन सी डायरेक्शन है आपके? वेस्ट है। नेक्स्ट देखिए, द सनसेट, सनसेट यानी सन का छिपना, जिसको हम क्या कहते हैं? सूर्यास्त कहते हैं। तो सन हमेशा वेस्ट में छिपता है।
उगता किधर से है? ईस्ट से। और छिपता किधर है? वेस्ट में। नेक्स्ट देखिए, ऑन योर लेफ्ट इज नॉर्थ डायरेक्शन, और आपके लेफ्ट में कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ है। और ऑन योर राइट, आपके राइट हैंड की साइड में इज द साउथ डायरेक्शन, और आपके राइट हैंड की साइड में क्या है? साउथ डायरेक्शन है। तो इसके थ्रू हमने ये जाना कि हमारी जो फोर डायरेक्शंस हैं वो कैसे निर्धारित की जाती हैं। अब हम भी ऐसे ही अपनी डायरेक्शन के बारे में पता कर सकते हैं। अगर हम घर में कहीं भी खड़े हुए हैं, सन हमारा जहाँ से निकलता है वो हमारी कौन सी डायरेक्शन है? ईस्ट है। और जस्ट इसके अपोजिट कौन सी है? वेस्ट। और लेफ्ट साइड में नॉर्थ और राइट साइड में साउथ। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप ड्राइंग के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 73 की तरफ चलते हैं। डायरेक्शन विच फेस ईच अदर आर कॉल्ड अपोजिट डायरेक्शंस। तो देखिए, ये जो डायरेक्शन है, जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ के अपोजिट क्या है? ईस्ट है। और सॉरी स्टूडेंट, साउथ है। और यहाँ देखिए, वेस्ट के अपोजिट क्या है? ईस्ट है। तो सनराइज किधर से होता है? ईस्ट में होता है, और सनसेट वेस्ट में। और ये नॉर्थ है यानी उत्तर, और ये साउथ है यानी दक्षिण। ओके स्टूडेंट्स, वी यूज कंपास टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए ये एक दिशा सूचक यंत्र है, जिसको क्या कहा जाता है? कंपास कहा जाता है, जो हमें डायरेक्शन पता करने में हमारी हेल्प करता है। तो इसको क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं, यानी दिशा सूचक यंत्र। देयर आर मैनी डिफरेंट डायरेक्शंस। तो देखिए, यहाँ हमने डिफरेंट डायरेक्शंस के बारे में, दिशाओं के बारे में पढ़ा। तो देखिए, ये भी अलग अलग डायरेक्शंस हैं। जैसे देखिए, बैक फ्रंट यानी आगे और पीछे, राइट लेफ्ट अप डाउन, ठीक है। राइट मीन्स दायां, लेफ्ट मीन्स बायां, अप मीन्स ऊपर, डाउन मीन्स नीचे। तो ये भी क्या है? ये भी डायरेक्शंस हैं। नेक्स्ट देखिए, एक एक्टिविटी दी हुई है हमें, स्टडी द मैप। इसमें हम मैप को स्टडी करेंगे एंड टिक द करेक्ट ऑप्शन, और जो राइट ऑप्शन है उसको टिक करेंगे। तो यहाँ इस ड्राइंग के थ्रू हम इनको सॉल्व करेंगे। द पार्क इज टू द लेफ्ट या राइट ऑफ द चर्च। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये चर्च है। तो यहाँ हमें बताना है कि जो पार्क है वो चर्च के लेफ्ट में है या राइट में है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हम अगर खड़े होते हैं तो पार्क है वो कौन से डायरेक्शन में आएगा? कौन से में आएगा? राइट साइड में आएगा। तो यहाँ हम राइट पर टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, द चर्च इज बिहाइंड इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। क्या चर्च जो है वो आपके हाउस में बिहाइंड यानी पीछे है, या फ्रंट या आगे है? तो इसमें देखिए, जैसे ये आपका हाउस है, और यहाँ हमें बताना है कि जो चर्च है वो कहाँ है? आपके घर के पीछे है या सामने है? तो कहाँ है? पीछे है। इसलिए यहाँ क्या लिखेंगे? बिहाइंड पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए, द पुलिस स्टेशन इज टू द लेफ्ट या राइट ऑफ योर हाउस। जो पुलिस स्टेशन है वो आपके घर के लेफ्ट में है या राइट में है? तो देखिए, ये जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ हम खड़े होंगे तो हमारा घर कौन सी साइड में होगा? हम लेफ्ट पे राइट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट को राइट कर लेना। नेक्स्ट देखिए, द हॉस्पिटल इज टू द लेफ्ट या राइट ऑफ द पार्क। तो देखिए, ये हॉस्पिटल है, ये हमें बताना है कि पार्क के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है। तो पार्क के हम यहाँ खड़े होंगे तो ये कौन सी साइड में हुआ? ये लेफ्ट साइड में हुआ, ठीक है। राइट साइड उधर, लेफ्ट साइड इधर, तो यहाँ लेफ्ट पे टिक करेंगे। द चर्च इज टू द लेफ्ट या राइट ऑफ द पार्क। जो चर्च है वो पार्क के लेफ्ट साइड में है या राइट साइड में है? देखिए, ये जो पार्क है वो चर्च के लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ लेफ्ट को टिक करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद आप इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो अपनी ईवीएस की नोटबुक में करेंगे, डेट डे चैप्टर चैप्टर का नेम डाल के वर्ड मीनिंग स्टार्ट करेंगे। डायरेक्शंस यानी दिशा, ईस्ट पूर्व, वेस्ट पश्चिम, नॉर्थ उत्तर, साउथ दक्षिण, मैप नक्शा,
राइट मीन्स दायां, लेफ्ट मीन्स बायां। सनराइज जिसको सन का उगना कहते हैं यानी सूर्योदय कहते हैं, सनसेट यानी सूरज का छिपना जिसको क्या कहते हैं सूर्यास्त कहते हैं। अपोजिट मीन्स क्या होता है विपरीत, कंपास क्या है दिशा सूचक यंत्र जो हमें डायरेक्शन जानने में हमारी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर को आप रीडिंग करेंगे और इसकी वर्ड मीनिंग आप लर्न एंड राइट करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।